नमस्कार मझेरा मात्र गोटे दिन आसब 2022-23 आर्थिक वर्ष पर साधारण बजेट अर्थमंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करेंगे किंतु ता पूर्व बजेट को नहीं कौन रही आशा कौन रही साधारण जनता आकांक्षा ताकू नहीं कि आमर स्वतंत्र कार्यक्रम जन आकांक्षा आम लगातार भाव में विभिन्न क्षेत्र को लेकिन ए कार्यक्रम जरिया आलोचना करछे कौन रही एथर आशा बजेट्रु कौन आवश्यकता रही कौ क्षेत्र में अधिक चैलेंज रही खास करी ओडिशा परिप्रेक्षी तो आम पूर्व रेलपथ एवं भित्तिभूमि क्षेत्र संपर्क में आलोचना कर सारी एवं आज आम आलोचना करवा सामाजिक क्षेत्र खास करी आम जदि देखा शिक्षा स्वास्थ्य पानी जल आवास एवं महिला शिशु कल्याण ए सबु क्षेत्र में कौन गत 7 वर्ष भितर एवं कौन आमको चैलेंज रही कौन आशा कराऊर बजेट आवश्यकता रही प्रसंग में आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा कि तथ्य किंतु ता पूर्व आम आपको देखापी चाहबू एवं आम जदि नजर पकड़ गत 7 वर्षर जदि आम टाली को देखा बा 7 वर्ष धरी ओडिशा को मोदी सरकार का अमल जो अनुदान आसी विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र जदि नजर पकड़ा ताल ये पूर्व सरकार तुलन पर्याप्त अनुदान आसी आवास कथा कहतु पानी जल कथा कहतु एवं एलपीजी संजोग ठू आरंभ करी मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करिबा एवं शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बड़ा जातीय स्तरीय प्रतिष्ठान ओडिशा रे प्रतिष्ठा करा जिबा एभली अनेक पदक्षेप निया जाइछि गत 7 वर्ष भितर एवं व्यापक अनुदान मध्य आसी तो प्रथमे आमे आरंभ करिबा जे आवास क्षेत्र कथा जदि देखिबा 2014-15 मसीहा परठु पीएम आवास योजना जहाँ कि मोदी सरकार योजना इतने ओडिशा रे निर्माण हो 19,16,000 पक्का घर किसी कम संख्या नुह 19,16,000 पक्का घर निर्माण होबद को राज्य में पक्का घर निर्माण बाबद को 23,696 कोटी टंका देखते मोदी सरकार गत 7 वर्ष भितर ये हूँ तथ्य एवं ये आवास तथ्य आम आपण सामने रखीचु परवर्त समय आम शिक्षा क्षेत्र में कौन आसी गत 7 वर्ष भितर ओडिशा को से तथ्य मध्यम आम आपण सामना को आणबू जे शिक्षा क्षेत्र में मध्य व्यापक अनुदान अनेक जातीय स्तरीय अनुष्ठान खोली ओडिशा रे गत 7 वर्ष भितर तार तथ्य मध्य आम आपण सामना को आणबू शिक्षा क्षेत्र में जदि आम देखा जे आइजर भलिया अनुष्ठान आसी IIM प्रतिष्ठा एवं भुवनेश्वर दक्षता विकास प्रतिष्ठान खोली तो अनेक किछि गत 7 वर्ष भितर राज्य शिक्षा क्षेत्र में आसी जो योजना गुड़िक रही प्राथमिक शिक्षा ठू आरंभ कर उच्च शिक्षा पर्यंत से सर्वशिक्षा अभियान कथा कहतु बाकी क्षेत्र में आलोकेशन बा अनेक अनुदान आसी गत 7 वर्ष भितर आम शिक्षा क्षेत्र उपरे आम पुणी थे आपको रखा चाहिए आम आपको देखा चाहिए जो शिक्षा क्षेत्र में कौन आसी गत 7 वर्ष भितर ब्रह्मपुर में प्रतिष्ठा होती आइजर जहाँकि गोटे जातीय स्तरीय प्रतिष्ठान एवं बहु केवल राज्यर नुहे सारा भारत वर्षर छात्र छात्री से पढ़वार सुजोग पाँच भुवनेश्वर दक्षता विकास अनुष्ठान खोली मधुसूदन आईन विश्वविद्यालय जोटा कि UGC लिस्ट अफ यूनिवर्सिटी अंतर्भुक्त हो एवं से भली भाव आम जो देखा जे उच्च शिक्षा क्षेत्र में आगुक अनेक किसी हवाक जाऊँ ए प्रक्रिया आरंभ हो सारी एवं आमपाई सौभाग्यर विषय जे केन्द्र रे केन्द्र सरकार जे शिक्षा मंत्री अच्छा सी ओडिशार धर्मेन्द्र प्रधान एवं प्रचेषारे कि ओडिशापाई शिक्षा क्षेत्र में हो आगुक आशा करा तो आम आगुक स्वास्थ्य कथा जानिबा एवं तापर आम पैनलिस्ट आम सहित जोड़ी होती पाखक जावा स्वास्थ्य क्षेत्र में विगत 7 वर्ष भितर बहु बड़ा बड़ा पदक्षेप नि जितेबाला ओडिशा रे मात्र 3टी सरकारी मेडिकल कॉलेज थिला एवं राज्यवासी दीर्घ दिन दाबी थिला विभिन्न अंचल दाबी होता लोक मैंने आमर MKCG एवं भीमसार आउ SCB को छाड़देले राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेज नाला से समय मोदी सरकार अमल में
गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियागला पांच पांचटी मेडिकल कॉलेज पर राज्यर विभिन्न क्षेत्र में आगुक आउ दुईट मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा होगा जाऊँ खूब शीघ्र एवं तामें तथ्य उपर जी नजर पकाइबा ताहले आम देखा जे पांचटी जिले में नुआ मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा हो सारी नुआ मेडिकल कॉलेज पर खर्च हो 945 कोटी टंका ए जो पांचटी नुआ मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा होई छी एवं सेथिरु 60 भाग अर्थात 567 कोटी टंका ए अर्थ को वहन करिसंती केंद्र सरकार बा मोदी सरकार पांचटी मेडिकल कॉलेज पर जो खर्च होई छी तार 60 भाग अर्थ वहन करिसंती मोदी सरकार। बारीपदा बलांगीर बालेश्वर कोरापुट एठी प्रतिष्ठा होई छी चारिटी स्थान रे मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा होई छी एवं आगक एही चलित वर्षरु पुरी मेडिकल कॉलेज रे नामलेखा आरंभ होउछि। तो ये पांचटी मेडिकल कॉलेज जहाँकि प्रतिष्ठा हो सारी एवं आगुकु आउ दुईट मेडिकल कॉलेज कथा कहा जाउछि जे सेठी मध्य खूब शीघ्र से मेडिकल कॉलेज रे मध्य स्वास्थ्य सेवा आरंभ हो 2022-23 रे जाजपुर रे कार्यक्षम हो आउ एक मेडिकल कॉलेज जहाँकि निश्चित भाव समस्त खुशी खबर ए मोट खर्च हे 150 कोटी टंका जो थ्रु कि 100 कोटी टंका दे सारी केन्द्र सरकार जाजपुर जो मेडिकल कॉलेज चलित आर्थिक वर्ष रे प्रतिष्ठा हवा को जाउछि 2022-23 आर्थिक वर्ष रे तापर आगु को कलाहांडी रे गोटे मेडिकल कॉलेज हवा को जाउछि जो थी के 60 भाग बा 195 कोटी जो खर्च हम 60 भाग वहन करिवो केन्द्र एवं आगुआ 50 कोटी मध्य से दे सारे केन्द्र सरकार। तो लगातार भाव में स्वास्थ्य क्षेत्र केमती आगु को जीव अधिक रु अधिक या छड़ा एमकेसी जाओ भीमसारे अधिक 100 एमबीबीएस सीट वृद्धि करा जाई केंद्र सरकार के ये गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति थिला। दुईट जाक पुराणा मेडिकल कॉलेज जो आमर थिला सरकारी मेडिकल कॉलेज भीमसारे 35 एमकेसीजी 34 आ एससीबी 38 टी पीजी सीट वृद्धि करा जाई। तो जो माने डाक्तरी छात्र पीजी पढ़ापाई बाहर कॉलेज को जीवा आवश्यक नहीं से मानी सुविधा उपलब्ध होती तीनटी मेडिकल कॉलेज 107 सीट वृद्धि करा जो कि 13.73 कोटी अर्थात 13,73,00,000 टंका खर्च करा आमे आगो को अन्य क्षेत्र में कौन कौन हो संपर्क में जानवा और एथर कौन चैलेंज रही आम राज्य कौन आशा रही से संपर्क में आलोचना करवा आम सहित जो पैनलिस्ट अच्छा परिचय करदेवि आम सहित अच्छा अर्थनीतिज्ञ प्रोफेसर अपराजिता विश्वाल आम सहित जोड़ी होती आम सहित अच्छा आउ जे अर्थनीतिज्ञ जे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत काम करिगे से अनेक रिसर्च ओडिशार स्वास्थ्य क्षेत्र संपर्क में ओतप्रोत भाव से जड़ित सरित राउत आम सहित अच्छा आउ जे अर्थनीतिज्ञ आपण स्वागत करुच्ची। मु प्रथमे अपराजिता मैडम आपण रिएक्शन नाक चाहिए बजेट जिते बड़े आसूसी समस्त आशा रड़शार जो भाई भाव स्थित रही सामाजिक क्षेत्र में आपण कौन लगुच जदियो केन्द्र रु अनुदान रा फ्लो विगत 5-7 वर्ष भितर व्यापक किंतु एबे भी अनेक चैलेंज रही आपण कोटा लगुच सबुठ प्राइमरी को दिगटा उपर को सामाजिक क्षेत्र उपर अधिक फोकस रहा दरकार आवश्यकता रही आपन को लगुच प्रकृतर देखा गले आमर जो आसूँ बजेट आमे तो प्रत्येक नागरिक देशर प्रत्येक नागरिक वर्तमान आम अपेक्षा करी रही जे निर्मला सीतारमण केमिति प्रकार बजेट गोटे आने जोटा कि आमको ये पैंडेमिक मिड्रे आम चलीचु आमको गोटे बहुत बड़ रिलीफ दबो आपण गोटे साधारण गृहिणी ठारु आरंभ करिकी गोटे कृषक ठारु आरंभ करिकी गोटे विद्यार्थी पर्यंत एवं गोटे जीए छोटो एंटरप्रेन्योर मध्य समस्त आम अपेक्षा करिछु जे आमर फाइनेंस मिनिस्टर कौन प्रकार बजेटटा आणबे जो थे कि आम समस्त को किछि ना किछि रिलीफ मिलिबो निश्चित भाव में पैंडेमिक समय रे आपण जो प्रश्न पचारले जे सेई परिप्रेक्षी रे मु कहिबे जे सोशल सेक्टर जेकोणसी प्रकार इकोनोमी रे आपण देश कथा कहतु बा राज्यर कथा कहतु तार गोटे बेकबोन बोली कहिले अत्युक्ति हेबो नाही गोटे मेरुदंड गोटे राष्ट्रर हो बा गोटे राज्यर हो मेरुदंड हेउची आमरो सोशल सेक्टर जहाँ भितर आम उत्तम शिक्षा स्वास्थ्य एवं परिमल एवं अन्यान्य किछि आवश्यक सेक्टर को इनक्लूड करिथाउ कंपोनेंट को इनक्लूड करिथाउ मु एई परिप्रेक्षी रे कहिबी जे ओडिशा पई जदि आम देखा
पर्टिकुलरली आमर एजुकेशन एवं हेल्थ से दुटा दिग को मु मुख्यतः भाव में बेसी आकर्षण केन्द्रबिंदु करी कहीं शिक्षा आउ स्वास्थ्य यही दुईट जिनस आम पैंडेमिक भितर के चैलेंजिंग होता आम समस्ते अनुभव करिछु जेहेतु शिक्षा क्षेत्र में आम पर्टिकुलरली मुझे कहबी गोटे एड टेक प्लाटफर्म आम बेस इनभेस्ट करूँ पैंडेमिक पूर्वर कहीं आमर गोटे कहतु जमीक श्रेणी शिक्षार व्यवस्था आमर बहुत भाव प्रसारित थिला आम समस्ते एक्सेप्ट करूँ किंतु जेतबले पैंडेमिक आसला जो टेक्नोलोजी बहुत भाव में व्यवहार है कि आम समस्ते एक्सेस करूँ ना तेणु जोड़ाक आमर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी तार गोटे आम इंटीग्रेशन करवा से आम गोटे एड टेक प्लाटफर्म बोली कहीपर एवं से टेक्नोलॉजी प्लाटफर्म आम जिते इन्वेस्ट करवा डेफिनेटली मुझुच बजेट से ही दिग उपर ध्यान निहाती दिजा दरकार कहीं आग को मध्य ए प्रकार चैलेंजिंग सिचुएसन पैंडेमिक भाया जे न आसब आम कहींपर गोटे गुरुत्वपूर्ण क्या उठे पैंडेमिक बा जितेबले कोरोना महामारी आसला आमर दुईट क्षेत्र पोल खोली खास करी आम ओडिशा कथा आम जो देखा गोटे है शिक्षा गोटे है स्वास्थ्य तो ये दुईटर प्रकृत स्थिति कौन आम जिते बड़ बड़ गुलापी चित्र देखले भी आम एसा करसा कर प्रकृत स्थिति कौन तार पोल खोली जे अनलाइन शिक्षा व्यवस्था जिते पाखे शिक्षा ठीक भाव में पहुँची पारा ना एवं स्वास्थ्य कथा समातराल भाव जे तार प्रकृत सत आम स्वास्थ्य भित्तिभूमि कौन सेटा सामना को आसला कोविड महामारी समय तो जदियो अनेक प्रयास करा जाए केंद्र सरकार पक्षर आमर पांचटी मेडिकल कॉलेज खोली दुईटी आगो को खोलिबा को जाउची खूब शीघ्र एवं ये शिक्षा क्षेत्र में मध्य प्रयास करा जाए प्रति गाँ गुड़िक किभली ब्रॉडबैंड पहुँची पार पंचायत को जोड़ा जा पार एवं ताद्वारा आगो को डिजिटल जो कारबार बा डिजिटल शिक्षादान व्यवस्था मध्य आहुरी सुदृढ़ हम से दिगरे मध्य व्यवस्था करा जाउछि मु आसीबी अर्थनैतिक सरित राउत मध्य आम सहित जोड़ी होती सरित बाबू खास करी स्वास्थ्य क्षेत्र कथा जो थी कि आप अधिक काम करिसंती एबे कौन आम सबुठू बड़ चैलेंज आम जब ओडिशा परिप्रेक्षी देखा और से दिगरे आम कौन आशा करिबा बजेट रे नमस्कार शुभ संध्या समस्त को मु ओडिशा कथा कहवा पूर्व दुटा तीन टा मेजर स्वास्थ्य प्रॉब्लम मुझक आणुचु बजेट कौन करा कहे मुझा पाखक आसमी आप लास्ट इयर बजेट देखिथे से गोटे हेल्थ एंड वेलबिंग गोटे 6 crore एरिया जो आसाला फर ग्रोथ से हेल्थ एंड वेलबिंग गोटे से पाखापाखि से 2,23,846 crore टाँचा से अनुदान करते जोटा कि कहते 137% हाइक फ्रम द प्रीवियस ईयर से ह्यूज इनक्रीज होता से कौन होता ना सानिटेशन थिला हेल्थ थिला न्यूट्रिशन थिला ड्रिंकिंग वाटर वाटर सानिटेशन थिला यही तीन टा चार मेजर एरिया थिला तेणु आप स्वास्थ्य केवल देखिए स्वास्थ्य बजेट 76,901 crore थिला जोटा कि टोटल बजेट 2.21% थिला आउ से आप देखिए 3500 crore टंका सेमाने देथिले कापई ना वैक्सीनेशन पई आउ गोटे से गोटे बहुत बढ़िया प्रोग्राम गत वर्ष इंट्रोड्यूस करते हैं प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो थे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर आउ सेकेंडरी केयर जो भित्तिभूमि विकास प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी अक्टोबर वाराणसी से प्रोग्राम टाक गोटे मिशन मोड भाव में अनाउंस कले आउ से प्रोग्राम से 6,64,186 crore देते तेणु युवाक मेजर हाइलाइट्स था तेणु ए वर्ष बजेट्रे निर्मला सीतारमण निश्चित भाव में से जो प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को आगक ने जो थे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आउ प्राइमरी केयर विकास हो पार तेणु प्राइमरी केयर हूँ आम स्वास्थ्य मूल भित्तिभूमि आदि प्राइमरी केयर को आम विकास न करवा तेल आगक आम स्वास्थ्य सेवा आगक जापर ना तेणु आमर जहाँ कहु प्राइमरी केयर में टोटल इनभेस्टमेंट 70% प्राइमरी केयर को जवा दरकार कितु बर्तमान आम 54% जाऊँच तेणु मुझे आशा करूँ जमी आम बजेट 70% अफ दि टोटाल रिसोर्सेस प्राइमरी केयर पर सेकेंड कथा हूँ इंडिया गोटे मेजर प्रॉब्लम होची हेल्थ रो जे हमर टोटल हेल्थ रो बजेट आउ जीडीपी रो 1.3% रु 1.5% भितर वेरी करछे आउ हमर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर गोटे बहुत बहुत बड़ आउ एबे लास्ट रो 2019 रे आमे जो 18 रे
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଆକାଉଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର 49% ହେଉଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପକେଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ସେଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ନା ଆମ ବଜେଟ୍ର GDP ଯଦି ଆମେ 1.4% ଆମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ଟୋଟାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେଣୁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପକେଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବହୁତ ଅଧିକା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପଲିସିରେ କହିଥିଲେ 2.5-3% ଅଫ୍ ଦି GDP ସୁଡ୍ ବି ସ୍ପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ହେଲ୍ଥ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି 1.5% ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆମେ 1% ବାକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ୍ ବଜେଟ୍ କରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ରହିବ ସେ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକା ବଜେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସେଇ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପକେଟ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ। ଥାର୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆମ ପାଖରୁ ଯାଇନାହିଁ ଆମେ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ 15 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁ ତଳ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଛି, ଯଦିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିବ, ଯଦି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଥରେ ଭାଇରସ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିବ ଆମକୁ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆର୍ଡି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ତା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେମିତି ଆଗକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରେରୀ ଅର୍ଥ ମେ ବି ଏନାଦର 1 ଇୟର୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ମୁଁ ବି ଆଶା କରୁଛି ସେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦେବା ଦରକାର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଇମେରୀ କେୟାର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ 50%ରୁ 70% ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ଯିବେ, କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ରଖିବେ, ତାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ କେୟାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ରହିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ଏ ବଜେଟ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି 1.5% GDP ଏବଂ ସେଇଟା ଆହୁରି 1% ବଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଏବଂ ଲଗାତାର ସେ ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏ ବଜେଟ୍ରେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଯେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ ଏରିଆ ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହାମାରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନା କରୁଛେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଏବଂ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଏବଂ ଲଗାତାର ରହି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ବାଦ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଯେ ଆମେ ପରିମଳ କଥା ଆମେ ଆସୁଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ଘରେ କେମିତି ଟଏଲେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ପରିବାରକୁ LPG ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଆମେ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତା'ର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କର ତାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଯେ ଏ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ପାନୀୟ ଜଳ କଥା ଆସୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା ଆସୁଛି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେ ସବୁ ଘରେ ଯେମିତି ପାଇଖାନା ହେବ, ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ମଳମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ସାରା ଦେଶକୁ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଘରେ ପାଇଖାନା ବା ଟଏଲେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, ଏ କଥା ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଟଏଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ଟଏଲେଟ୍ ତ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା, ପଇସା ସେ ଦିଗରେ ଉଠାଇ ଅଣାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଏଲେଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ବିଗତ 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଦିଗରେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା କନେକ୍ସନ୍ ଦିଗରେ ଆମେ ତା'ର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଆମେ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାଇବା ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ, 2014 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 10.6% ଘରେ ଟଏଲେଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି 2021 ବେଳକୁ ଏଇଟା ପୁରା 100% ଆଚିଭ୍ ହୋଇସାରିଛି। 2021 ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପୁରା 100% ଅନୁଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଦେଶର ଛବି ବଦଳିବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମ ଦେଶ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଖାସ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟି। ଗୋଟେ ହେଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଯେ ଟଏଲେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ। ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱାଳ, ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି
ए दिगरे किछि चैलेंज रहिछि एवं कोन आशा करा जाय पारिबो? ये तो निश्चित गोटे बहुत माने इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट बोली कही परिबा डेवलपमेंट रो गोटे इंडिकेटर क्वालिटेटिव इंडिकेटर होउछि मध्य आमर सानिटेशन बा स्वच्छता कथा आपण जो कहिले परिमल व्यवस्था आमर अर्बन सेक्टर रे हो बा रूरल सेक्टर रे हो दुईटा जाक सेक्टर रे आमर जो स्वच्छता बा परिमल व्यवस्था एटा गोटे आमर डेवलपमेंट जेकोणसी कंट्री आगु को ग्रो करिवो एवं आमे गोटे वर्ल्ड मैप रे आमे आमर गोटे डेवलप्ड इकोनॉमी हिसाब रे आमर पोजीशन को बेसी स्ट्रांग करि परिबा सेति पई मध्य स्वच्छता बा परिमल व्यवस्था को 100% अचीव करिबा मध्य गोटे बहुत इंपोर्टेंट विषय जोटा कि आपण जेमती एबे तथ्य देले 2020-21 सुधा आमे 100% घरे टॉयलेट रो व्यवस्था केन्द्र सरकार क तरफरु आमे अचीव करि सर्चे एटा गोटे बहुत भलो कथा किंतु सेही परिप्रेक्षी मध्य मु आउ टिके आपनक नजर को आनिबा को चाहिबे जे एबे मध्य रूरल सेक्टर रे बहुत जगह रे टॉयलेट रो अवस्था एया हुए तो अछि जे आमे वाटर कनेक्शन बा अन्यन्य सुविधा मध्य आमे जोगाई देई पारु नाहु तेनु आमर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एवं वाटर कनेक्टिविटी उपरे आमर रूरल सेक्टर रे पर्टिकुलरली आमे निश्चित भाव रे एक्सपेक्ट करबा कि ए बजेट रे आउ किछि अनुदान हबो निश्चय जहा द्वारा कि आमे जो परिमल व्यवस्था टाकु सुचारु रूपे आमे अचीव मध्य करि परिबा गुटे 100% अचीव करि परिबा एवं मु कहिबी जे सेही दिगरे केन्द्र सरकार त निश्चय बहुत भलो पदक्षेप नै चंती किंतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दुई जन जकंकर एटा गुटे मौलिक दायित्व जे कोनोसी स्कीम स्पोंसर जहा द्वारा मध्य होउ तो निश्चित भाबरे सेटा को आउ जने इम्प्लीमेंटेशन रे निश्चित भाबे ताको इफेक्टिवनेस आनिबा दरकार बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा अनुदान त आसीबो किंतु अनुदान को एठी केबले कार्यकारी करा जिवा राज्य सरकारकर सेटा दायित्व एवं से दिगरे मध्य गुरुत्व दिया जिवार आवश्यकता रही एवं आमे स्वच्छता कथा टॉयलेट निर्माण कथा कहले एलपीजी संयोग कथा आमे चर्चा कले एवं आउ गोटे ए क्षेत्र में आसुची स्वच्छ पीवा पानी लोक घर पाखरे पहुँचवा एवं से दिगरे अनेक पदक्षेप नि बहु अर्थ बराद करा किंतु एबे भी चैलेंज रही ओडिशार बहु गाँ रही जोटि की पीवा पानी वर्तमान पर्यंत भी उपलब्ध नाही पाइप जोगे पीवा पानी पहुँची पारुनी मु आसी प्रोफेसर विश्वाल चैलेंज रही आज्ञा आज्ञा निश्चित रूपे प्रोफेसर विश्वाल मुझे जीवा चाहिए सरित बाबू को पाखु से प्रसंगे श्रीत राउत ए दिगरे आपण कौन रिएक्शन जे ए बजेट रे ए दिग उपरे कौन फोकस रहा उचित एवं कौन चैलेंज अच्छी संक्षेप रे? हाँ ड्रिंकिंग वाटर बहुत बड़ इश्यू गाँ गहलें ओडिशा तथा आप ट्राइबल एरिया देखिए एवं भी बहुत लोग गाँ गहलें पापा दुई तीन किलोमीटर चलने को जाते आउ स्वच्छ ड्रिंकिंग वाटर हूँ जे मेजर पार्ट ऑफ योर अच्छी इम्प्रूविंग हेल्थ एंड वेलबिंग तेणु तापर से निश्चित भाव में स्वच्छ ड्रिंकिंग वाटर केमी मिल आउ प्रति घरे केमी ड्रिंकिंग वाटर पहुँची पार तापर बहुत बड़ा एम्फासीस देवा दरकार आपको आउ गोटे कथ कहु चाहिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर हूँ न्यूट्रिशन जोटा कि इंडिया आपड़ देखिथे 2015-16 एनएफएचएस रु आउ 1920 एनएफएचएस भितर 22 राज्य को जो अपने कंपेयर करेंगे पाखापाखि 14 कि 15 राज्य स्टंटिंग आउ वेस्टेज बढ़ीगला कौन पर बढ़ीगला जे आपर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखिए इंडिया पोजिशन धीरे धीरे कम हो जाए तेणु न्यूट्रिशन गत वर्ष बजेट में कौन करते ना सप्लीमेंटारी न्यूट्रिशन प्रोग्राम आ पोषण अभियान को मिसेकि पोषण 2.10 गोटे अभियान आरंभ करते तेणु से कि न्यूट्रिशन बजेट में गत वर्षर जो बजेटरी आलोकेशन थी टी कमी जाता ता पूर्व वर्ष तुलन में तेणु बहुत न्यूट्रिशन जो मैंने काम करते आखि वर्ष मुझे भावुची सरकार निश्चित न्यूट्रिशन बजेट को डेफिनेटली बढ़ेगा न्यूट्रिशन गोटे इंपोर्टेंट आस्पेक्ट आप देखिए जो अच्छी माल न्यूट्रिशन क्या कहतु स्टंटिंग क्या कहतु वेस्टिंग क्या कहतु पोषण फोकस आवश्यकता रही है पोषण जदि ठीक मिले आमर जो माने शिशु माँ उभय सुस्थ रहिबे एवं शिशु को जदि ठीक पोषण मिलला ताहले देशर से माने होचंती भविष्यत एवं भविष्यत आमर भल भविष्यत आमर निर्माण हे पारिबो कारण से माने होचंती आमर भविष्यत तो समय कम भितरे आमे सामाजिक क्षेत्र पई कोन आवश्यक कोन चैलेंज रहिछि कोन आशा करा जाउछि से प्रसंग रे आमे आलोचना करिछि आमर पैनलिस्ट माने तांकर मत रखि सारिछंती एवं आमे चित्र मध्य तथ्य आपन को देखै सारिछु जे
नरेंद्र मोदी सरकार गत 7 वर्ष भितर खासकर ओडिशा परिप्रेक्षी में कौन करिसंती सामाजिक क्षेत्र पर तो आम बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहिए प्रोफेसर विश्वाल एवं श्री सरित राउत ए प्रसंग में आपण मतामत रखी आसंता काली आसुची इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट एवं जहाँकि प्रकृत में तथ्य बयान कर देशर अवस्था अर्थनीति दृष्टि किभली अच्छी कौ क्षेत्र में केते आगु को जाइछि केते पछु को आसीछे ता संपर्क में आसंता काली आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा कार्यक्रम जरिया कि आज समय हो जाए कार्यक्रम को ये रखा नमस्कार।